हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पिज्जा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ना ही चीज, ना ही कर्ड, ना ही बेकिंग सोडा और ना ही बेकिंग पाउडर मैंने इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, बहुत आसान तरीके से बनाया है। तो अभी हम शुरू करेंगे पिज्जा बेस बनाने के लिए। मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है, स्वादानुसार नमक डालें, फिर इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालें। तेल डालने से पिज्जा का बेस बहुत सॉफ्ट बनेगा। तेल से ही हमारा पिज्जा बेस बहुत सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि हम नहीं तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ना ही कर्ड डाल रहे हैं, तो तेल ही हमारा पिज्जा बेस को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आटे में हर एक जगह तेल होना चाहिए, तो अभी ऐसा होना चाहिए तो बराबर है, नहीं तो आप थोड़ा और तेल डाल सकते हो। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें आटा को ज़्यादा गीला नहीं रखना है, आटा को टाइट रखना है हमको। तो अभी हमने आटा को बहुत अच्छे से कर लिया है। इसको मैंने ना ही गीला किया है, इसको मैंने टाइट आटा बांधा है। तो इस तरह से पिज्जा बेस होना चाहिए। अभी थोड़ा ऑयल डाल के आटा को अच्छे से गूंथेंगे। यही तो पिज्जा बेस की खासियत है, इसको अच्छे से गुथाओगे तो उतना पिज्जा बेस अच्छा बनेगा। ये सेकेंड इम्पोर्टेंट स्टेप है। गुथाने से पिज्जा बेस में अच्छी इलास्टिसिटी आती है, जितना गुथाओगे उतना पिज्जा बेस अच्छा होगा। 5 मिनट तक पिज्जा बेस को अच्छे से गुथाएं। तो अभी पिज्ज़ा बेस बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम इसे 30 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। जब तक आटा रेस्ट कर लेता है, तब तक हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून घी डाला है, आप बटर भी ले सकते हो। अभी घी को अच्छे से गर्म करेंगे, उसके बाद हम मैदा डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैदा 2 टेबलस्पून लिया है। अभी उसको अच्छे से हिलाएंगे, जब तक मैदा का कलर चेंज ना हो तब तक उसे हिलाते रहें। मैदा का कलर हल्का ब्राउन होना चाहिए। तो अभी इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। तो अभी हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पे दूध 1 कप डाला है, फिर उसको अच्छे से हिलाएंगे। दूध को बॉइल्ड होने तक उसे हिलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें जो भी लम्स होगी वो सब निकल जाएगी। तो अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ऑर्गेनो 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 100 गाढ़ी ना हो तब तक उसे गैस पर कुक होने तक रखें। तो अभी ये गाढ़ी हो चुकी है, आप ये देख सकते हो। तो अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ करेंगे। देखो ये कितनी क्रीमी सॉस बनी है, आप देख सकते हो। पिज्जा बेस को वापस
वापस एक बार अच्छे से गुथाएंगे। पिज्जा बेस को जितना गुथाओगे उतना अच्छा बनेगा, इसमें एक अच्छी सी इलास्टिसिटी आ जाती है। तो थोड़ा ऑयल लेके हम इसे गुथाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमको गुथाना है, 5 मिनट तक उसे अच्छे से गुथाए। तो अभी हमारा पिज्जा बेस रेडी हो गया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। तो अभी हम इसका 2 पार्ट करके इसकी गोलियां बनाएंगे। अभी बेलन की मदद से हम उसे बेलना स्टार्ट करेंगे। सब जगह इवेंटली होना चाहिए, कहीं जगह पतला कहीं जगह जाड़ा वैसा नहीं होना चाहिए, सब जगह इवेंटली होना चाहिए। पिज्जा बेस की थिकनेस देखो ऐसी होनी चाहिए, ज्यादा थिक हो जाएगा तो हमारा पिज्जा अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो उसकी थिकनेस देखो ऐसी होनी चाहिए। अभी साइड से हल्का प्रेस करेंगे। अभी तवा को हाई फ्लेम पे गरम करें, फिर गैस का फ्लेम स्लो कर दें, फिर पिज्जा का बेस जो हमने बनाया है वो तवे पे डाल दीजिए। पिज्जा बेस को हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे, दोनों साइड सेकेंगे। अभी फॉर्क की मदद से हम थोड़ा प्रेस करेंगे, इससे पिज्जा बेस फूलेगा नहीं। अभी हम दूसरे साइड उसको पलटेंगे। दूसरे साइड से अच्छा पक गया है, तो अभी हम एक साइड से उसको अच्छे से सेकेंगे। अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम पहले से उसको सेक रहे हैं। तो ये दूसरे साइड से भी अच्छा सेक गया है। पिज्जा बेस अच्छे से सेक गया है, तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इतनी अच्छी तरह से सेक गया है पिज्जा बेस, आप देख सकते हो इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अभी पिज्जा बेस भी रेडी है, व्हाइट सॉस भी रेडी है। तो अभी हम पिज्जा बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिज्जा बेस के ऊपर घी को ग्रीस किया है, आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं, बटर भी ग्रीस कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे दोनों साइड घी को ग्रीस करूंगी। तो अभी हम पिज्जा सॉस लगाएंगे इसके ऊपर। पिज्जा सॉस की रेसिपीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं वहां पे। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सब जगह पिज्जा सॉस लगा दिया है, एक भी जगह नहीं छोड़ना, सब जगह लगाना है। तो अभी हम वेजिटेबल इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। वेजिटेबल में मैंने टोमेटो और कैप्सिकम लिया है, इस तरह से मैंने चॉप किया है लंबे लंबे, आप देख सकते हो।
इसी तरह से वेजिटेबल हम पिज़्ज़ा बेस के ऊपर टॉपिंग करेंगे। आप इसमें ऑलिव्स, कॉर्न, बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं। वेजिटेबल आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ही लीजिए। अभी जो व्हाइट सॉस हमने बनाया था वो अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे, उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इससे पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनेगा। हर जगह उसको स्प्रेड करना है, एक भी जगह नहीं छोड़नी है। इस तरह से उसको हल्का हल्का प्रेस करना है। सब जगह से उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये चीज़ के बिना भी बहुत टेस्टी बनेगी। अभी हम इसके ऊपर ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप मिक्स पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। अभी इसकी टॉपिंग रेडी हो गई है, तो अभी हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए एक कढ़ाई लीजिए, फिर उसके अंदर स्टैंड डालें, फिर इसके अंदर प्लेट डालें और कवर करके उसको 15 से 20 मिनट तक कुक करने रखें। तो 20 मिनट के बाद ये रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी लग रही है, ये डोमिनोज जैसी लग रही है। इसके आगे डोमिनोज पिज़्ज़ा भी फेल है, इतना टेस्टी बनता है। अभी पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसको कट करेंगे। ये देखो कितनी अच्छी बनी है पिज़्ज़ा, आप देख सकते हो। अभी मैं उसको नीचे से दिखाऊंगी, ये नीचे से भी कितने अच्छे से बेक हो चुकी है, आप देख सकते हो। और ये बहुत सॉफ्ट बनी है। अगर आपको मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपीज अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और इसे शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।